नमस्कार, मी अमृता काटकर. ही कलाकृती जी रेखाटलेली आहे ती खूप बोलकी आहे आणि आपला आताचा महत्त्वाचा सगळ्यात अगदी परंपरेनुसार चालत आलेला म्हणा अगदी जातीवाद हा एक मोठा प्रश्न आहे आणि त्यावरूनच मी काही ह्या चित्रावरून थोडके विचार स्वतःचे मांडले आहेत. उस साई ने कहा है कि सबका मालिक एक है. उस साई ने कहा है कि सबका मालिक एक है, तो बताओ इंसानों की बस्ती में भेद क्यों है? हर्ज क्या है, हर्ज क्या है अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गले लगाए? खून दोनों का लाल ही तो है. बोलो, खून दोनों का लाल ही तो है, तो गले मिलने से समाज भ्रष्ट हो जाएगा, ये भावना क्यों है? हाँ मानती हूँ अगर एक हिंदू का खून लाल होता, एक मुसलमान का खून हरा होता, हाँ तो मैं भी कहती दोनों जाति में कोई खोट है. जरा सोचो, इतना सा सिर्फ शब्दों में फर्क है. हिंदू में भगवान को ईश्वर कहते हैं और मुसलमानों में भगवान को अल्लाह पुकारते हैं. मुसलमानों के ईद में बनाए जाते मीठे पकवान को शीरकुर्मा कहते हैं और हिंदू के त्योहारों में बनाए गए मीठे पकवान को खीर कहते हैं. सिर्फ नामों में फर्क है, लेकिन उसके मीठे पे में कोई फर्क नहीं है. तो ये फर्क जात पात में क्यों है? इसमें भगवान का कोई खुद का भी ईश्वर और अल्लाह में मतभेद नहीं है. अगर ब्रह्मांड का मूल ही महादेव है तो उस मूल से उत्पन्न हुए होंगे सारे इंसान एक ही तो है. सिर्फ एक बार हिंदू और मुसलमान एक होके चलिए दोस्तों. ओ भगवान अल्लाह भी खुश हो जाएगा और सारे देश का नजरिया दिवाली की त्योहार की तरह चमकता हुआ नजर आएगा. जय हिंद.